أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم اسلام दीन हक है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे दुनिया में गालिब आने के लिए, पनपने के लिए, फैलने के लिए भेजा है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक, और इसके मुकाबले में जब बातिल आता है तो वो ठहर नहीं पाता, मगलूब हो जाता है, शिकस्त खा जाता है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आ गया और बातिल मिट गया, चला गया। यकीनन बातिल को ही मिटना है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर हक और बातिल की एक मिसाल बयान फरमाई है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला बात को समझाने के लिए मिसालें बयान करते हैं। वतिलकल अम्साल नद्रिबुहा लिन्नास, फरमाया ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो इस पर थोड़ा गौर करें। एक जगह फरमाया लिकौमी याकिलून, समझने वाले कौम के लिए, समझने वाले लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ी समझ होती है। फरमाया अनज़ल मिनस्समाई माअन, अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा। फसालत बिही औदियतुम बिकदरिहा, तो पानी जब बारिश बरसी, पानी आया तो छोटी छोटी नदी नालियाँ अपनी अपनी वसत, अपनी अपनी मकदार के मुताबिक वो बहने लगीं। और पानी जब ज़मीन पर बहता है तो ज़मीन पर घास फूस, तिनके, खसो खाशाक, और फिर पानी जब बुलंदी से नीचे गिरता है तो झाग बनती है, खसो खाशाक जमा हो जाते हैं और वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। फ़हतमल सैलु ज़बदर राबिया, फरमाया ये जो पानी तेज़ी से आगे बढ़ा, ये सिलाबी रेले की शक्ल में जब पहाड़ों से या बुलंदियों से नीचे उतरा, मैदानों से गुजरा, तो ऊपर झाग आ गई, उबरने वाली झाग, खसो खाशाक ये पानी के ऊपर इकट्ठे हो गए। एक और चीज़ जिसके ऊपर झाग आती है, वमिम्मा युकिदुना अलैहि फिन्नार इब्तिगा हिलियतिन औ मताइन दबतुम मिस्लु, जब हम सोने और चांदी को आग पर पिघलाते हैं तो उसमें जो मैल कुचैल होती है वो भी झाग की सूरत में ऊपर आ जाती है। सामान बनाने के लिए, जेवरात बनाने के लिए जो लोग आग जला के पिघलाते हैं इन चीज़ों को, और उनसे फिर सामान और जेवरात तैयार करते हैं, उसके ऊपर भी झाग आ जाती है। कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक्क वल बातिल,
अल्लाह इसी तरह हक और बातिल की मिसाल बयान करता है कि हक वो पानी है जो आसमान से नाजिल हुआ, और बातिल वो खसो खाशाक है, वो झाग है जो आर्जी और वक्ती तौर पर पानी के ऊपर नमोदार हुई। हक वो खालिस सोना और चांदी है जो आग में पिघलाने से साफ हो जाता है, और बातिल वो मैल कुचैल और गंदगी है, जब उसे आग पे रखा जाता है, आंच दी जाती है, तो बातिल वो झाग की सूरत में थोड़ा थोड़ा ऊपर उभरता है। फरमाया फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ, ये जो उभरी हुई झाग होती है, ये जो खसो खाशाक होते हैं, ये खुश्क होके ख़त्म हो जाती है, झाग खुश्क होके ख़त्म हो जाती है। वअम्मा मा यन्फ़ुन नास, और जो चीज़ लोगों को नफ़ा देने वाली है, जो पानी नफ़ा देने वाला है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुर्रे अर्ज़ी पर ज़िंदगी का वजूद अमल में अल्लाह लाए हैं, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय, हमने पानी से हर जिंदा चीज़ बनाई, वो बाकी रह जाता है, लोग पीते भी हैं, अपने जानवरों को भी पिलाते हैं, खेतियाँ नबाता दरख्त भी उगते हैं। फअम्मा मा यन्फ़ुन नास फयमकुसु फिल अर्द, वो ज़मीन में बाकी रह जाती है, और जो खसो खाशाक जो झाग वक्ती तौर पर उबर के पानी के ऊपर आती है, फयज़हबु जुफ़ाआ, वो खुश्क होकर ख़त्म हो जाती है। फरमाया हक और बातिल की मिसाल भी ऐसे ही है, हक से लोगों को फ़ायदा होता है, हक बाकी रहता है, हक कदीम है, बातिल बाद में आया। अल्लाह ने दुनिया में जो पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में बनाए, और उन पहले इंसान को ही अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत भी अता फरमाई, अकीदा तौहीद पहले इंसान को समझा कर दुनिया में मबऊस किया, तो दुनिया का आगाज़ हक से हुआ, अकीदा तौहीद से हुआ, शिर्क बाद में आया, बातिल बाद में आया। और ये फिर बातिल जो बाद में आया, या बातिल का हम दुनिया के अंदर जो किरदार देखते हैं, ये आर्जी और वक्ती होता है, ये वो झाग होती है जो सोने चांदी के ऊपर या पानी के ऊपर उभर आती है, और फिर जब बातिल वाज़े होकर हक वाज़े होकर सामने आता है, तो ये झाग ख़त्म हो जाती है, उड़ जाती है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु अल-अम्थाल, इसी तरह अल्लाह मिसालें बयान करता है। सूरह यूनस में अल्लाह फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, हल मिन शुराकाइकुम, ये जो तुमने अल्लाह के मुकाबले में शरीक बना रखे हैं, माबूद पर पकड़ रखे हैं, अल्लाह के साथ तुमने जो शरीक ठहरा रखे हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा है, यहदी इलल हक, जो तुम्हें हक का रास्ता दिखा सके, हक की तरफ रहनुमाई कर सके, क्या ऐसा कोई है? यकीनन नहीं है। कुल कह दीजिए, अल्लाहु यहदी लिल हक, अल्लाह ही हक की तरफ रहनुमाई करता है, अल्लाह ही हक नाजिल करता है, अल्लाह ही हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाता है। फरमाया अफमन यहदी लिल हक, क्या वो हस्ती जो हक नाजिल करती है, हक की तरफ रहनुमाई करती है, हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाती है, अहक्कु अय्युत्तबा, वो इस चीज़ की ज़्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, अम्मल्ला यहिदी, या वो जो बजाते खुद हिदायत याफ्ता नहीं है, जो खुद गलत रास्ते पे चल रहा है, इल्ला अय्युदा, मगर ये कि उसे सीधा रास्ता दिखाया जाए। फमालकुम, तुम्हें क्या हो गया है, कैफ तहकुमून, कैसे कैसे फैसले कर रहे हो, अल्लाह के मुकाबले में जो हक नाजिल करने वाला, हक समझाने वाला, हक की तरफ रहनुमाई करने वाला, हक की तौफीक देने वाला, उस हस्ती को छोड़कर तुम इन शरीकों की तरफ भागते हो, बातिल की तरफ भागते हो, जिनके इख्तियार में हिदायत नहीं, हक नहीं, जो खुद हिदायत पर नहीं,
मोहतरम भाइयों, हक इंसान को जब समझ आ जाए तो फिर उसे कबूल करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। बातिल से फौरन इंसान को तौबा कर लेनी चाहिए, रुजू कर लेना चाहिए, पलट आना चाहिए हक की तरफ। और इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई उज़र, कोई कोताही या कोई बहाना नहीं तराशना चाहिए। किताब व सुन्नत की तालीमात हमारी इसी बात की तरफ रहनुमाई करती हैं कि हक अल्लाहुल्लज़ी अंजल किताब बिल हक वल मीज़ान, अल्लाह ने नाजल की है किताब हक के साथ और तराजू भी उतारा हक के साथ। हक इस बात का ज़्यादा हकदार है कि हम उसकी पैरवी करें। बातल इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं कि हम उसके पीछे चलें। और अगर बशरी तकाज़ों की वजह से, गलती की वजह से हमने बातल को फॉलो कर भी लिया है, बातल की तरफ हम चले भी गए हैं, हमें जब हक की समझ आए हम फौरन पलट आएँ। कुल्लु बनी आदमा खत्ताउन व खैरुल खत्ताइना अत्तवाबून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सब इंसानों से गलतियां होती हैं, सब बनी आदम गलतियां करने वाले हैं, बेहतरीन कौन है? अत्तवाबून, जो रुजू कर लेते हैं, जो पलट आते हैं। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं कि जब उनसे कोई बुराई हो जाती है, अपनी जानों पर जुल्म हो जाता है, फौरन लम युसिरु अला मा फ़अलू, एक जगह फरमाया कि वो अपने काम पे अड़ते नहीं हैं बल्कि अल्लाह से बख्शिश के तलबगार हो जाते हैं, लौट आते हैं, रुजू कर लेते हैं, पलट आते हैं, छोड़ देते हैं अपनी उस बातिल वाली रविश को। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात को बनाने का फैसला फरमाया तो ये बात फरिश्तों के सामने रखी। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूँ, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कहने लगे अल्लाह तो ज़मीन में कोई ऐसा बनाएगा जो फसाद करेगा, खून बहाएगा, क्योंकि इंसानों से पहले इस ज़मीन के ऊपर जिन आबाद थे और जिन यही काम करते थे। तो जिन्नों को देखते हुए फरिश्तों ने कहा कि ये जो नई मखलूक अल्लाह आप बनाना चाहते हैं ये भी फसाद करेगी, ये भी खूनरेजी करेगी। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी तस्बीह और तहमीद और तकदीस कर रहे हैं, ये काफ़ी है। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कहा नहीं जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة, फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए जो ज़मीन पर थीं, जिनका आदम से वास्ता पड़ने वाला था, फिर फरिश्तों के सामने पेश की वो चीज़ें। फरमाया अम्बिऊनी भी अस्माए हा उला इन कुन तुम सादिकीन, ज़रा मुझे इन चीज़ों के नाम तो बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्ते आगे से क्या जवाब देते हैं, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم, अल्लाह तो पाक है। फरिश्तों का अंदाज देखें, अल्लाह तो पाक है, हमारा इलम तो कोई इलम नहीं। الا ما علمتنا, मगर जो तूने हमें सिखाया, انك انت العليم الحكيم। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा करके खलक अमिनहा ज़ौजहा, उन्हीं से उनका जोड़ा बनाया और फिर जन्नत में उन्हें ठहराया। उसकुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में ठहरो। कुला मिनहा रगदन हैसु शिअतुमा, जहाँ से चाहो जितना मर्जी चाहो खुला खाओ। वला तक़रबा हाज़ी शजरा, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। शैतान ने वरगलाया, बहलाया, फिसलाया,
वसवसे डाले दिल में, बुरे बुरे ख्यालात डाले, क्योंकि उसने अल्लाह से मोहलत ली थी, अल्लाह मैं इन्हें वरगलाऊंगा, मैं इन्हें फिसलाने की कोशिश करूंगा। तो आदम और हव्वा बहकावे में आ गए, वसवसों का शिकार हो गए। अकला मिन्हा, वो दरख्त जिससे रोका गया था वो खा लिया, लेकिन जब एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई है, हमने अल्लाह की नाफरमानी कर डाली है, तो फिर ये नहीं कि अपनी गलती पे अड़ गए, अच्छा अब नाफरमानी तो हो गई है अब करते चले जाएं, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, फौरन हक की तरफ पलट आए, फौरन रुजू कर लिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया, हमसे गलती हो गई अल्लाह, अगर तूने हमें ना बख्शा, अगर तूने हम पे रहम ना फरमाया, तो हम ज़रूर खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगे। यही मोमिन का शेवा होना चाहिए, जब भी अल्लाह की कोई नाफरमानी हो जाए, कोई गलती हो जाए, लग्जिश हो जाए, कदम हक के रास्ते पे चलते हुए डगमगा जाए, बातिल की तरफ इंसान चला जाए, फौरन पलट आए, जैसे ही समझ आए फौरन पलट आए, कोई देर ना लगाए, तसवीफ का शिकार ना हो, मोहलतें ना ढूंढे, बहाने ना ढूंढे। आज लोग बहुत सारे जो है ना वो इश्कालात का शिकार हो जाते हैं, बहानों का शिकार हो जाते हैं। अभी तो बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, सारे लोग कर रहे हैं, अगर मैंने कर लिया तो क्या हो जाएगा, अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये काम गलत है तो लेकिन करना पड़ेगा, इसके बगैर दुनियादारी नहीं चलेगी, तरह तरह के बहाने लोगों के जहनों में समा जाते हैं। भाई मोहतरम भाइयों, बातल बातल होता है, उसको जितना मर्जी ऊपर से लेपा पोती कर लें, जितनी मर्जी अपने दिल को तसल्लियां दे लें, जो चीज गलत है अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उससे मना किया है, रोका है, हमें फौरन उससे पलटना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर पैगंबर, अपनी कौम को 950 साल दावत और तबलीग दे रहे हैं, फिर हुक्म आता है कि अपने साथियों को कश्ती में सवार करें और अल्लाह का आज़ाब आने वाला है इन पर तूफ़ान की शक्ल में। नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटा, वो भी काफिरों और मुशरिकों के साथ था, आप पर ईमान नहीं लाया, आखिर वक्त तक हजरत नूह कहते रहे या बुनैयर कम माना वला तकुम मिनल काफिरीन, ए बेटे आ जा, सवार हो जा हमारे साथ, काफिरों में से ना हो, लेकिन न माना। काला सहावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ पर तो पानी नहीं जा सकेगा, बहुत ऊंचा पहाड़ है, वो मुझे पानी से बचा लेगा। काला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं है, इल्ला मर रहीम, वही बचेगा जिस पे अल्लाह रहम करेंगे। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रकीन, एक बहुत बड़ी लहर आई जो पहाड़ से भी ऊंची थी, और बेटा बाप की नज़रों के सामने पानी में डूब गया। बाप वक्त का नबी है, पहला रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वल रसूल, रसूलों में सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आदम नबी थे रसूल नहीं थे, पहले रसूल हजरत नूह है। अब बेटा डूब गया है, लेकिन बाप था, फिर दिल में आया कि अल्लाह से उसकी बख्शिश की दुआ मांग लेता हूँ। इन नबरी मिन अहली व इन वादकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन, अल्लाह से दुआ मांग ली, अल्लाह मेरा बेटा था, मेरे ख़ानदान में से था, और तेरा वादा सच्चा है, पूरा हो गया तेरा वादा, तू अहकमुल हाकिमीन है, मेरे बेटे पे करम फरमा दे, उसे बख्श दे, उसकी लग्जिश खता माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने डांटा, قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح, नहीं नहीं नूह, वो तेरे खानदान में से, तेरे अहल में से अब था ही नहीं, उसके अमल अच्छे नहीं थे,
और ये जो तूने मुशरिक के लिए काफिर के लिए बख्शिश की दुआ की है, तेरा ये दुआ करने वाला अमल भी गलत है। अगर दोबारा ये दुआ की इन्नी आइजू का अन तकून मिनल जाहिलीन, तो नू तू नदानों में से जाहिलों में से हो जाएगा। नू को फौरन समझ आ गई कि ये तो मैंने अल्लाह की नाराजगी वाला काम मुझसे हो गया। फौरन पलट आए, लौट आए, अल्लाह से माफी के खास्तगार हो गए। इन्नी आइजू का वाला जब जुमला सुना, قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मैंने तुझसे वो सवाल कर लिया जिसका मुझे इल्म नहीं था। وان لم تغفر لي وترحمني, अल्लाह अगर तेरी बख्शिश और तेरी रहमत उसने मुझे अपने अंदर ना ढांपा, मैं तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन के अंदर एक ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब की वजह से भाइयों के दिलों में हसद पैदा हो जाता है और भाई अपने ही भाई के खिलाफ साजिशें रचाते हैं, कत्ल करने की, कैद करने की, कुएं में फेंकने की। बिलाखिर हीलों बहानों से ले जाते हैं और एक बयाबान जंगल के अंदर जाके एक वीरान कुएं में उसे फेंक के आ जाते हैं। अल्लाह की नुसरत आती है, मदद आती है, काफिला आता है, यूसुफ को वहाँ से निकालते हैं और ले जाते हैं मिस्र। अजीज़े मिस्र के तख्त पे बैठ जाते हैं, उधर से कहत आता है, यूसुफ के भाई जाते हैं गल्ला लेने के लिए। दो तीन मुलाकातों के बाद राज खुलता है कि ये तो हमारा वही भाई यूसुफ है जिसे हम जान छुड़ाने के लिए कुएं में फेंक आए थे। फिर अपनी गलती का एहसास होता है, फिर रुजू करते हैं, अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं, भाई के सामने भी माजरत करते हैं, बाप के सामने भी करते हैं। बाप क्या कहता है, सौफ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, मैं ज़रूर अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूँगा। भाई से भी कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हमसे ख़ता हुई, हमारी इस गलती और ख़ता को माफ़ कर दे। قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वही अरहम الراحمين है। तो जब बातिल की समझ आ जाए, गलत चीज़ की समझ आ जाए कि भाई ये गलत है, ये जिस रास्ते पे मैं चल रहा था, जो काम मैं कर रहा था, ये दुरुस्त अमल नहीं था, तो फिर इंसान को अल्लाह की तरफ पलटने में, हक की तरफ आने में देर नहीं लगानी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या आता है, तूर पहाड़ पे जाते थे अल्लाह से तौरात लेने के लिए, एक दफा मुतालबा कर दिया और अब भी आरी नहीं अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, मुझे अपना आप दिखा। قال لن تراني, कहा मूसा तू मुझे देख नहीं सकेगा, वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तकर्र मकानहु फसौफ तरानी, पहाड़ को देख, अगर ये अपनी जगह पे खड़ा रहा तो फिर तू भी मुझे देख लेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल दअलहु दक्का वखर मूसा साइका, अल्लाह ने जब पहाड़ पर थोड़ी सी तजल्ली डाली, पहाड़ रेजा रेजा होके फट गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर पड़े। फलम्मा अफाक काल सुबहानक तुब तू इलेक, अल्लाह मैं रजू करता हूँ, तू पाक है, ये मैंने क्या सवाल कर दिया, ये मैंने क्या मांग लिया। जब फिरौन के दरबार में गए तो मुकाबले में फिरौन जादूगर ले आया, मुल्क से बड़े माहिर जादूगरों को इकट्ठा कर लिया और जब जादूगरों ने अपना जादू दिखाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मौजजा दिखाया, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली निशानी दिखाई, जादूगरों को समझ आ गई कि ये जादू नहीं, ये तो मौजज़ा है और ये वक्त का नबी है और इसकी दावत सच्ची दावत है। उन्हें हक बात की समझ आ गई। उल्किया सहरतु साजिदीन, जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहने लगे हम रब्बुल आलमीन पे ईमान लाए, रब्बे मूसा व हारून, हम रब्बे मूसा और रब्बे हारून पे ईमान लाए। बड़ी धमकियाँ, बड़े लालच फिरौन ने दिए,
हाथ पांव काट दूंगा, सूलियों पे लटका दूंगा, फांसियां दे दूंगा, कैद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन फिर उनके ईमान को मुतजलजिल ना कर सका, हिला ना सका। ऐसा ईमान बंदे का होना चाहिए कि जब हक बात की समझ आ जाए और बातिल का पता चल जाए कि ये चीज़ गलत है, बातिल है, तो फिर पलट के उसकी तरफ देखे भी ना, और जब हक की समझ आ जाए तो फिर हक पर चलते हुए किसी किस्म की डगमगाहट का शिकार ना हो। ला यखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम, फिर मलामत करने वालों की मलामत की परवाह ना करे, फिर उसका जिद, उसकी जिद, उसका तासुब, उसकी अनानियत उसके रास्ते में रुकावट ना बने। उसका तकब्बुर उसके आड़े ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-किब्रु बतरुल हक़्क़ी व ग़म्तुन नास। तकब्बुर क्या है? हक बात को कबूल करने से इनकार कर देना। हक सामने है, पता चल रहा है कि ये वाज़ह चीज़ है, ये हक है, लेकिन फिर भी उसको कबूल करने से बंदा इनकार करे, ये तकब्बुर है। और ये इबलीस का रास्ता है। अना खैरुम मिन, जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों से सजदा करो, सबने कर दिया, इबलीस ने इनकार कर दिया, कहा ना मैं बेहतर हूं, अपनी बर्तरी के ज़ुम में अड़ गया। ये अड़ जाना बातिल के ऊपर, ये इबलीस का शेवा है, ये इबलीस की आदत है, मोमिन का शेवा नहीं है। लम युसिरु, मोमिन अड़ते नहीं होते। मोमिन को जब अपनी गलती का एहसास हो जाए और बातिल का पता चल जाए कि ये बातिल चीज़ है, गलत चीज़ है, फौरन हक की तरफ पलटते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है सही मुस्लिम के अंदर, सईद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, एक दफ़ा मैं बैठी थी तो मेरे पास एक यहूदी औरत, वो बैठी बातें कर रही थी, रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए तो उस यहूदी औरत ने कहा, इन्नकुम तुफ्तनूना फ़ी कुबूरिकुम, तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे, तकलीफ़ों का सामना तुम्हें कब्रों में करना पड़ेगा, सवाल जवाब होंगे, सख्तियाँ आएंगी कब्रों के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात सुनी, फरमाया नहीं, ये गलत कह रही है, यहूद पर आएंगी, हम पर नहीं आएंगी, मेरी उम्मत के अफराद पर नहीं आएंगी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, फलबिसना अय्यामन, कुछ दिन गुजर गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फिर मेरे पास आए और आके कहने लगे, इन्नहु यूहा इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फी कुबूरिकुम, अल्लाह ने मेरी तरफ वही की है कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, इसके बाद मैंने सुना अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब कब्र से पनाह मांगा करते थे, बल्कि नमाज के अंदर आखिरी तशहुद में जिन चार चीज़ों से पनाह मांगने का आपने बाकायदा हुक्म दिया है, और ये फ़र्ज़ है इन चार चीज़ों से पनाह मांगना, ये वाली दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से, ज़िंदगी मौत के फितने से, मसीहुद्दज्जाल के फितने से, ये चार चीज़ों से पनाह मांगने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में हुक्म दिया। और मैं सुनती थी अक्सर आप अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करते थे। पहले आपके पास वही का इलम नहीं था, आपने वो बात सुनी यहूद की तो उनका रद्द कर दिया कि इनकी आजमाइश होगी, मेरी उम्मत के अफराद की आजमाइश नहीं होगी, लेकिन जब वही आई अपनी बात से क्या कर लिया, रुजू कर लिया, इस चीज़ को आर नहीं बना कि मैंने एक और पहले बात की थी, अब मैं कोई और बात करूं। ये आर होगा उन लोगों के लिए जो हक पर साबित कदम नहीं होते, हक पर चलने वाले नहीं, वो इस तरह की चीज़ों को आर बनाते हैं कि जी कल हम कोई और बात कर रहे थे, या कल आपका ये मौक़िफ़ था, कल आपकी ये बात थी और आज आपकी भी ये बात है, और कल मैं लोगों को ये कह रहा था, आज मैं लोगों को ये कहूँ। जो हक के पीछे चलने वाला होता है वो अल्लाह के, अल्लाह के रसूल के अहकामात का पाबंद होता है, उसे कोई शर्म, कोई आर महसूस नहीं होती, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करता। जब क़िबला तब्दील हुआ ना जी, पहले बैतुल मक़दस 17 माह
क़िबला रहा, उसकी तरफ मुंह करके नमाज़ें पढ़ते रहे। फिर अल्लाह ने बैतुल्लाह को क़िबला बना दिया मदीना आने के बाद, तो लोगों ने बड़ी बातें की। अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया, सयकूलु सुफहाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, अन करीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे किस चीज़ ने इन्हें क़िबले से फेर दिया। बड़ी बातें होंगी, लोग बड़े बड़े सवालात करेंगे, बड़े बड़े एतराज़ात उठेंगे। मुनाफिकों ने भी एतराज़ किए, मुशरिकीन ने भी एतराज़ किए, यहूद ने भी एतराज़ किए, तीनों तबकात ने एतराज़, मुसलमानों ने भी एक सवाल किया कि जी वो हमारी नमाज़ें जो हमने 17 माह पढ़ी इधर मुंह करके, हमारे वो अफराद जो इन 17 माह के अंदर फौत हो गए, शहीद हो गए, उनका क्या बनेगा। अल्लाह ने जवाब दिया, वमा कान अल्लाह लियुज़िया ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया करने वाला, तुमने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ी थी, वो भी अल्लाह का हुक्म था, और अगर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज अब पढ़ने लग गए हो तो ये भी अल्लाह का हुक्म है। तो जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए, तो पैरवी इसी की करनी है, अपनी ज़िद पे अड़ नहीं जाना। यही मनहज है, यही कामयाबी का रास्ता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन भी मोहतरम भाइयों यही किया करते थे, अपनी किसी ज़िद को, अपने तासुब को, अपने मसलक को, अपनी जमात को, अपनी किसी पार्टी को रकावट नहीं बनने देते थे। आजकल ये हमारे लिए बड़ी बड़ी, जी हमारे इमाम साहब तो ये कहते हैं, हमारे मसलक में तो ऐसे है, हमारे फुकहा का तो ये कौल है, हमारे अबाओ अजदाद तो इस तरह किया करते थे, वजदना अलैहि आबाना अल्फ़ीना अलैहि आबाना, ये तो हमारे बाप दादा का तरीका, ना 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 हम तो नहीं छोड़ सकते, ये आबा परस्ती, ये तकलीद, ये भी इंसान का सत्यानाश कर देती है, हक को कबूल करने में बहुत बड़ी रुकावट ये आबा परस्ती और ये तकलीद है। आंखें बंद करके किसी के पीछे चल पड़ना, और कई दफ़ा हसद, यहूद क्यों अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाए, हसद मिन इंद अनफुसिहिम, कुरान कहते हैं उनके दिलों में हसद था कि ये जो खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है, ये तो बनी इसराइल में आना था, हम में आना था, मुंतजर थे वो, कानू यस्तफ्तिउन, अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे, अल्लाह वो भेज आखिरी नबी जिसने आना है, हम उसके साथ मिलकर तेरे दीन की नुसरत करें और इन मुशरिकीन पे गलबा पाएं, आपकी आमद से पहले अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे उस नबी के आने की। लेकिन जब वो नबी आ गया, लेकिन वो आया बनू इस्माईल के अंदर, हज़रत इस्माईल के ख़ानदान से आया, बस यही हसद उन्हें ले डूबा कि जी हमारे ख़ानदान में क्यों नहीं आया, उनके ख़ानदान में क्यों आ गया। तो इन चीज़ों को रुकावटें मोहतरम भाइयों नहीं बनाने देना, हक को कबूल, जब हक बात सामने आ जाए तो फिर अहक को अयुतबा, हक की पैरवी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़िया है, कुरान करीम ने भी उसका तज़किरा किया है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब झूठा इल्ज़ाम लगा, मुनाफिकीन ने बोहतान लगाया, बदकारी का झूठा इल्ज़ाम, सूरह नूर के अंदर उस वाक़े की तफसील मौजूद है जिसे वाक़े इफ़क कहा जाता है। तो इल्ज़ाम लगाने वालों में कुछ सादा लोग, भोले भाले मुसलमान भी शरीक हो गए, जिनमें एक सहाबी थे हज़रत मिस्ता, और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के को रिश्तेदार भी थे और इंतहाई गरीब और मुफलिस सहाबी थे, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका माना खर्चा उठाया करते थे, इनको सदका खैरात और दिगर तोहफे तहफ़ दिया करते थे। जब इन्हें पता चला कि मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने वाला वो मिस्ता भी शामिल है, इन्होंने कसम उठा ली कि आज के बाद तो मैं मिस्ता पर एक रुपया भी खर्च नहीं करूँगा, एक रुपया भी खर्च नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक ने कुरान में फरमाया, वला यअतली उलुल फजल मिनकुम मसाअती अयुतु उलुल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरिन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहु, कसम ना उठाएं तुम में से वो लोग जो वसत वाले हैं, फजल वाले हैं, कि वो मुहाजिरिन को, मसाकीन को नहीं देंगे। जिस तरह अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया है, तुम्हें चाहिए कि तुम भी इनको क्या कर दो, माफ़ कर दो। अला तुहिब्बुन अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। जब अबू बकर ने यह आयत सुनी ना,
رضی اللہ تعالیٰ فوراً کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے اور یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے میں اس کا کفارہ دیتا ہوں اور آج کے بعد میں پہلے جس طرح مستہ پہ خرچ کرتا تھا اب بھی خرچ کروں گا. یعنی جب حق سامنے آیا, سچ سامنے آیا تو فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ایک فیصلہ کیا کہ انگلی اگر کوئی کسی کی کاٹ دے تو اس کی دیت پانچ اونٹ ہیں, پانچ اونٹ. لیکن اب فیصلہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آ گئی. حدیث کیا تھی؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انگلی کی دیت دس اونٹ ہے, دو کاٹے گا کوئی کسی کی نقصان کرے گا توڑے گا تو بیس اونٹ, پورا ہاتھ کاٹے گا تو پچاس اونٹ دیت ہوگی. اب یہ نہیں کہا جی میں نے تو فیصلہ لکھ دیا تو میں نے تو فیصلہ سنا دیا ہے, اب لوگ کیا کہیں گے, عمر سے غلطی ہو گئی, امیر المومنین سے غلطی ہو گئی؟ نہ فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور حدیث کے مطابق پھر فیصلہ دیا کہ انگلی کاٹنے کی, توڑنے کی, کسی کی انگلی کا نقصان کرنے کی سزا پانچ نہیں دس اونٹ ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, وہ آئے اور دروازے پہ تین بار دستک دی اور واپس چلے گئے. پوچھا بلایا تھا آئے کیوں نہیں؟ عرض کی امیر المومنین میں آیا تھا, دروازے پہ دستک بھی دی تھی لیکن آپ مصروف تھے, تین بار دستک دے کے میں چلا گیا کیونکہ رسول اللہ سے سنت حدیث سنی تھی ہم نے. انہوں نے کہا جی اچھا یہ بھی سنت ہے, یہ بھی حدیث ہے, لاؤ اس کا کچھ ثبوت پروف لاؤ. ابو سعید خدری آئے اور گواہی دی کہ میں نے بھی یہ حدیث سنی ہے, فوراً حدیث کی طرف رجوع کر لیا. بیسیوں ایسے واقعات آپ کو صحابہ کرام کے, آئمہ دین کے, فقہا کے, محدثین و مفسرین جو اہل علم ہیں ان کے ملیں گے کہ جب حق واضح ہو کر نکھر کے سامنے آ جائے تو پھر تعصب, حسد, بغض, ضد, عناد, پارٹی بازی, سیاست, ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فوراً حق بات کو قبول کرنے کی طرف آنا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے. کئی لوگوں کے دلوں میں خوف بھی آتا ہے کہ ساری زندگی ہم نے اس طرح گزار دی, ساری زندگی اس طرح نماز پڑھتے ہوئے گزار دی, ساری زندگی یہ کام کرتے کراتے رہے, اب آ کے چھوڑیں گے تو لوگ سوال کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ لا یخافون فی اللہ لومت لائم. جب مسئلہ سمجھ میں آ گیا, بات کا پتہ چل گیا کہ یہ چیز غلط تھی میں اسے سنت سمجھ کے کرتا رہا یا یہ سنت تھی میں اس کی مخالفت کرتا رہا, تو پھر مسئلہ سمجھ آنے کے بعد پھر ڈر دل میں نہیں رکھنا. ڈر رکھنا ہے تو صرف رب العالمین کا رکھنا ہے کہ جواب اس کو دینا ہے قبر میں جا کے, من ربو کا, من نبیوں کا, ماں دینوں کا, یہ سوال جب فرشتے پوچھیں گے تو جواب مجھے دینے ہیں. پھر میں نے یہ نہیں کہنا جی لوگ, اور جن کو جواب نہیں آئیں گے نا وہ پھر یہی دیں گے, جن کو تو جواب آئیں گے تین سوالوں کے وہ صحیح جواب دے لیں گے. اور پھر فرشتے پوچھیں گے ہاں بھائی تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہیں گے میرے پاس اللہ کا قرآن آیا, اللہ کے نبی آئے, ان تک, ان کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا اور ان دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے ہم نے یہ سوالوں کے جواب دیے. اور جس کو نہیں پتا ہوگا ان سوالوں کا, اس نے نہیں یاد کی یہ سوال, نہیں عمل کیا ان سوالوں پر زندگی میں, وہ کہے گا ہاں ہاں, یہ بخاری کے الفاظ ہیں, افسوس افسوس, لا ادری, میں تو نہیں جانتا, لوگ کہتے تھے تو میں بھی کرتا تھا, لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہتا تھا, لوگ کرتے تھے تو میں بھی کر, وہ اس وقت بھی یہی جواب دے, میں تو لوگوں کے پیچھے چلتا تھا, میں تو بھیڑ چال بنا ہوا تھا. بھیڑ چال کہتے ہیں نا جی, ایک بھیڑ جدھر کو جائے ساری بھیڑیں اس کے پیچھے چلے, تو یہ بھیڑ چال دین بھیڑ چال کا نام نہیں ہے. بھیڑ چال سے اپنے آپ کو بچائیں, حق کی پیروی کریں, حق کی اتباع کریں اور حق کتاب و سنت میں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر چلنے, حق کا ساتھ دینے, حق کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اے اللہ ہمیں حق بات دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, ہمیں باطل بھی دکھا, باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.